मंगलवार को जनपद के जिला अस्पताल से 84 केंद्रों पर 9731 व्यक्तियों का कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 42 सेंटरों पर 18 वर्ष से ऊपर के तथा 42 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के कुल मिलाकर 9731 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, मेरा नाम रूपक भट्टाचार्य है, गोपालन नगर गोरखनाथ से। वैक्सीनेशन जी हो गया, ऐसा फील हो? ठीक लगा, अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना से सुरक्षित हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी महसूस नहीं? बाकी जनता से क्या कहना चाहिए? यही अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग जो है इस तरह से ही वैक्सीनेशन करवा लें तो ये देश जो है बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ 70 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। लोगों को हमारी अपील है कि लोग सभी लोग अपने बारी का इंतजार करें, टीकाकरण कराएं। टीकाकरण बहुत ही बड़े स्केल पर टीकाकरण हो रहा है। 18 प्लस के लोग पोर्टल से इंटर कराएं। बहुत ही उत्साह तो जरूर दिखाएं, लेकिन बूथ पे जाकर उत्साह न दिखाएं। जब उनको स्लॉट दिया गया है तो उसी स्लॉट के अनुसार वो बूथ पर जाएं और टीकाकरण कराएं। 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए प्रायर कोविड पर रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अगर किसी तरह से अगर वो नहीं करा पाते हैं तो वो बूथ पर जाएं, अपना आधार कार्ड लेके जाएं और अपना टीकाकरण। इस तरह से हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग टीकाकरण करा लें, यही एक कोरोना से बचने का एक उपाय है। दूसरा उपाय, कोविड नियमों का लोग पालन करें, इसमें मास्क लगाएं, अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ इलाके में बिल्कुल ना जाएं, जिससे कि हम कोरोना से इस जिले को मुक्ति दिला सकें।